देखिए, जिन लोगों ने जिनके शासनकाल में वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरते थे उनको तो डर लगना वाजिब है ना। जैसी करनी करिएगा वैसा भरिएगा। आज भारत का झंडा लाल चौक पर लहराता है और भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर की वादियों में जाकर आसानी से घूमते भी हैं, वहाँ विकास की योजनाओं की भी चिंता करते हैं और अब तो सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा खिलाड़ी अब वहाँ पर जाके क्रिकेट खेलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव सिर्फ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस रास्ते से, जिस मरीन ड्राइव से वो जाएंगे, वो सबको बताना चाहिए कि जिस रास्ते से मैंने आया, वो जो सड़क बनाया हुआ था वो नीतीश कुमार का बनाया हुआ है, जो मरीन ड्राइव बनाया हुआ नीतीश कुमार का बनाया हुआ है, जितने बिहार में विकास का काम हुआ है वो सारे नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इस तरह का बातें कहते नजर आए नितिन नवीन। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए सारे जनता से कि बिहार में विकास यदि विकास का काम यदि हुआ है तो वो नीतीश कुमार ने किया है, क्योंकि मेरे पिताजी के कार्यकाल में सिर्फ हत्याएं, बलात्कार, लूट और चोरी डकैती जैसे वारदात ही होते थे। बिहार में सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बिहार की जो जितने भी व्यवस्था थे सारे लचर पचर थे। ये सारे बात को बताना चाहिए तेजस्वी यादव को जनता के बीच में। और उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर इधर उधर के बयान पर तेजस्वी यादव ने प्रहार किया था, उस पर नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये बयान सुने। नेता है, उन्होंने मजाक के तहत या इरादे के तहत कहा कि लाल चौक श्रीनगर में जाने में उनको डर लगता था, एक तरह से घबराते थे। देखिए, जिन लोगों ने जिनके शासनकाल में वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरते थे उनको तो डर लगना वाजिब है ना। जैसी करनी करिएगा वैसा भरिएगा। आज भारत का झंडा लाल चौक पर लहराता है और भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर की वादियों में जाकर आसानी से घूमते भी हैं, वहाँ विकास की योजनाओं की भी चिंता करते हैं और अब तो सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा खिलाड़ी अब वहाँ पर जाके क्रिकेट खेलता है। ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 370 के समाप्ति के बाद का कश्मीर है। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं सर कि उन्हें यात्रा जो है निकालनी पड़ी थी हिंदुस्तान में, इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, साधन सारे बंद हो गए थे सर। राहुल गांधी जी की जितने बड़ी बड़ी बयान है वो देश के बाहर ही जाके होता है, देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पर उनको भरोसा नहीं है, देश की मीडिया पर उनको भरोसा नहीं है। तो जो भी देश विरोधी बातें हैं वो देश के बाहर जाके करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको सीख लेनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जब वो यूएन में भाषण गए तो कैसे देश को एक पूरे विषय को कैसे रखा, भारत की विदेश नीति कैसी है उसको उन्होंने रखा, भारत की क्या सोच है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि एक ऐसा नेता मिला है जो देश के बाहर जाकर भारत के विषयों पर राजनीति करना चाहता है और भारत के कामकाज पे, भारत जो आज विश्व के पटल पर इतना आगे बढ़ रहा है उसकी हमेशा नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास करता है। तेजस्वी यादव बिहार के यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी यादव को पहले तो ये बताना चाहिए कि बिहार की सड़कें कैसी हैं, जिन सड़कों को नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बनाया उनके शासनकाल में तो गड्ढे वाली सड़कें होती थी। आज आप अस्पताल जाके देखिए, अस्पताल में जिस प्रकार से उनके समय में जानवर चरा करते थे, आज हमारे समय में वहाँ पर मरीज दवा लेते हुए पाए जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को तो पहले बिहार के इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वो अपने कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं, अरे आपको आज एक दिन लगा है, चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और जनता दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो विदेश भ्रमण पर रहते थे। जनता के मुद्दे और कार्यकर्ताओं के मुद्दे को आपको नहीं ध्यान आता था, अब चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं। आपको लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमसे मिलने आए थे और अब उनको हम लोग नहीं जिलाएंगे, दो बार जीवित कर दिए नीतीश कुमार को। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नीतीश कुमार पूरी तरह से जीवित है और पूरी तरह से राज्य के विकास में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार उनके समय में जब जब उनका साथ मिला तो उनको जो उम्मीद थी नीतीश कुमार की, उन लोगों में कोई परिवर्तन आया होगा। जिस प्रकार से पिताजी ने भ्रष्टाचार को अपना USP बनाया,
बेटे ने भी विरासत में भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो राजद में मानसिकता है, और राजद की मानसिकता में जो लोग पले बढ़े वो लोग सबसे बड़े अपराधी हैं बिहार। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से विकास का कार्य नीतीश कुमार ने किए हैं, वो उनको ये भी नहीं पता कि विकास का काम क्या होता है और मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद काम कैसे किया जाता है, विकास का काम कैसे किया जाता है। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं, बड़ा बयान दिया है नितिन नवीन ने। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार होते थे, जो उग्रवादी और अपराधी बेखौफ घूमते थे, वही उग्रवादी और आतंकवादी का शरण देने वाला तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव यदि यात्रा पर निकल रहे हैं तो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, 2025 का चुनाव आने वाला है। जब जनता के कार्य को विधानसभा में उनके बात को रखना चाहिए, तब वो विधानसभा से गायब रहते हैं, विदेश यात्रा पर रहते हैं उस समय। और जब अब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होने को है, तो वो जनता के बीच जा रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने को लेकर कांग्रेस नेता ने सुशील कुमार शिंदे ने बयान दिया कि वहां जाने में डर लगता था। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डर लगना ही चाहिए कि जिस तरह से माहौल कांग्रेसियों ने वहां बनाया था और पाकिस्तानी झंडा वहां फहराया जाता था, लेकिन मेरे नेता नरेंद्र मोदी वहां गए, लाल चौक पर झंडा भी फहराए और आज कश्मीर के वादियों में अकेले घूमते हैं, आज वहां किसी प्रकार का भय नहीं है। और यदि इस तरह का बयान कांग्रेस नेता दे रहे हैं तो अपने सच्चाई को बयां कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके कार्यकाल में कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई थी उसका बातें सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये उनका अपना वक्तव्य है और ये सही भी है। ऐसा ही माहौल वहां का बना हुआ था, लेकिन अब माहौल चेंज हो गया है, अब वहां बेखौफ नेता घूमते हैं, इस तरह का बयान देते नजर आए नितिन नवीन। तो क्या कुछ कहते नजर आए, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।